तो सिट्रॉन C3 को 5000 ड्राइव करने के बाद इस वीडियो में मैं आपको इस गाड़ी के कॉन्स के बारे में ज्यादा फोकस करके बताऊंगी। हाय पीपल, वेलकम बैक टू बेटर ड्राइव्स अगेन। मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया है कि सिट्रॉन C3 मैंने सितंबर 2022 में परचेज की थी एंड आज की डेट में ये गाड़ी 5000 प्लस किलोमीटर चल चुकी है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैं बहुत डिटेल में इसके कॉन्स की बात करने वाली हूँ। तो जो इस चैनल पे व्यूअर्स नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिए क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे वीडियोस में रहती है जो आपके एंड आपके फ्रेंड्स के यूज में आ सकती है। तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सामने भी जो आप DRL देख रहे हैं, यहाँ पे DRL लगाने के लिए जगह दी गई है बट यहाँ DRL नहीं दिया गया है। और आजकल छोटी से बड़ी कार्स में आप देखेंगे तो DRL दिया जाता है, ये ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है। तो यहाँ पे भी कंपनी ने कॉस्ट कटिंग की है। और ये जो हैलोजन लैम्प यहाँ पे है, मैं बोलूँगी ये हैलोजन लैम्प है बट इसकी विजिबिलिटी नाइट में काफ़ी अच्छी होती है। और अगर LED लाइट होती तो और अच्छी इसकी विजिबिलिटी हो सकती थी, बट हैलोजन लाइट की विजिबिलिटी भी मोर देन सफिशेंट है। हमने इसको रेन में भी ड्राइव किया है, हमने इसको फॉग में भी ड्राइव किया है, तो विजिबिलिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। तो DRL ऐसे ज़्यादा एक्सपेंसिव आती नहीं है एंड आजकल सब छोटी से बड़ी कार्स में DRL का एक ट्रेंड बना हुआ है। तो इसमें भी DRL प्रोवाइड किया जा सकता था कंपनी द्वारा बट किया नहीं गया, यहाँ पे भी कॉस्ट कटिंग की गई है। तो एक और बहुत ही बड़ा कॉन यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि ये ब्रांड इंडिया में नया है, C3 मॉडल इंडिया में नई है, लॉन्च हुए टाइम भी हो गया है बट अभी भी आफ्टर मार्केट इसकी एक्सेसरीज बाहर मार्केट में उतनी इजीली अवेलेबल नहीं है आज की डेट में भी, आफ्टर 6 मंथ और 9 मंथ ऑफ लॉन्च ऑफ द कार। हमने सीट कवर बहुत टाइम के बाद हमको जाके मिला है, तो हमने ऑनलाइन एक जगह से मंगवाया है। और अभी रूफ रेल्स भी इसके अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, कंपनी वाले रूफ रेल्स अवेलेबल हैं लेकिन बाहर में हमने पता किया था तो बाहर में अभी इस मॉडल के रूफ रेल्स भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे इस मॉडल में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलेगा, म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको एक जगह मिल जाएगी जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। तो यहाँ पे 9 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम आप बाहर से फिक्स कर सकते हैं और जो इसके अबव मॉडल में जो इंटीग्रेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है वो 10 इंच टच स्क्रीन के साथ आता है। जो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग हमको लगा इस मॉडल में वो है ये IRVM, ये बहुत ही प्लेन सा IRVM दिया गया है, लेकिन दिन के लिए ठीक है बट इसमें नाइट विजन में प्रॉब्लम होता है हमको। जब पीछे से गाड़ी का कोई लाइट पड़ता है तो हमको इसमें सेट करने के लिए, डिम करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम बाहर से सोच रहे हैं कि इसके ऑर्डर करके हम इसके लिए मंगाएंगे एक नाइट विजन IRVM हम ऑर्डर करने वाले हैं। यहाँ पे लाइट दी गई थी, छोटा सा बल्ब दिया गया था केबिन लाइट के लिए, तो उसको भी हमने चेंज करा के LED कराया है एंड यहाँ पे ब्लूटूथ माइक हमने अपने से सेट कराया है। और एक जो बेसिक सी चीज़ जो ये नहीं मिली इस मॉडल में जो देना चाहिए था कंपनी को, क्योंकि वो ज़्यादा तो प्राइस की होती नहीं है, तो ये जो सन वाइज़र है आपको यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा। तो ये हमने अलग से बाहर से वैनिटी मिरर लगाया है और यहाँ पे भी कोई मिरर आपको नहीं मिलने वाला है। सन वाइज़र भी काफ़ी छोटे हैं कंपेयर टू जितना होना चाहिए। तो अब इंटीरियर्स में अगर मैं बात करूँगी, मैंने डिटेल में इंटीरियर्स दिखाए थे अपने पुराने वीडियो में जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ा मैं बात कर लेती हूँ, कॉन्स की बात करती हूँ यहाँ पे। तो जो स्टीयरिंग है वो बेसिक है, इसमें आपको कुछ भी कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे। जो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है यहाँ पे, ये भी बेसिक सा ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, डिजिटल फॉर्मेट में है बट ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है वही मिलेंगी। तो अभी एक एसेंशियल चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ जो ज़्यादा प्राइस का नहीं होता है लेकिन उसमें भी कंपनी ने कॉस्ट कटिंग की है। जो बाकी 3 डोर्स में आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर में जो हैंडल होते हैं होल्ड करने के लिए वो नहीं दिए गए हैं, तो वो भी हम बाहर से फिक्स कराएंगे।
तो ये जो ग्रैब हैंडल्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, कभी कभी जब जर्क्स लगते हैं तो पकड़ने के लिए पैसेंजर्स को अपने कंफर्ट के लिए ग्रैब हैंडल्स ज़रूरी होते हैं। तो ये अभी ऐसा डिज़ाइन में है कि हमको पता नहीं है कि ये ग्रैब हैंडल्स इसमें बाहर से लग पाएंगे कि नहीं लग पाएंगे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि लग जाएंगे, ताकि वैसे तो हम दो ही लोग ट्रैवल करते हैं, लेकिन कभी कभी जब पीछे पैसेंजर्स कुछ ट्रैवल करते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर ट्रैवल करते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी चीज़ है वो। बूट के डोर को लिफ्ट करने के लिए या उसको नीचे लाने के लिए अलग से कुछ हैंडल नहीं दिया गया है, यहाँ पे नॉब नहीं दी गई है, सिंपल आपको इसी को पकड़ के ऊपर नीचे करना पड़ेगा। इस मॉडल में, लाइव मॉडल में आपको रियर पार्सल ट्रे नहीं मिलेगा, इसके ऊपर वाले मॉडल में आपको रियर पार्सल ट्रे मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको यहाँ पे तो ये स्पेयर व्हील मिलेगा अलग से, और ये स्पेयर व्हील जो है ये 14 इंच का आएगा। तो मैंने बताया बाहर में जो आपको फोर व्हील्स मिलेंगे 15 इंच के मिलने वाले हैं, एंड ये जो बूट के साथ जो आपको स्पेयर व्हील मिलने वाला है वो 14 इंच का मिलेगा। ये क्या रीजन है फिर मेरे को नहीं पता आज तक, कभी समझ में आएगा तो आपको बताऊंगी। बूट स्पेस जो है 315 लीटर्स की है, जो एक काफी ही अच्छी बूट स्पेस है, ब्रॉड भी है, इवन डेप्थ भी है बूट में। और यहाँ पे साइड में दो आपको टो करने के लिए यहाँ पे दोनों साइड में हैंडल दिए गए हैं, छोटा छोटा नॉब्स दिए गए हैं जहाँ पे आप कुछ हैंग कर सकते हैं। एंड ये हमने अलग से रखा हुआ है, टायर इन्फ्लेटर रखा हुआ है, एंड साथ ही साथ एक पंचर किट रखा है, अम्ब्रेला रखा है। तो मैंने बहुत सारे आपको इसके कॉन्स गिना दिए, जहाँ पे कॉस्ट कटिंग की है कंपनी ने, कॉस्ट कटिंग की है तो शायद इसीलिए बजट में प्रोवाइड कर पाया है। लेकिन एक बात मैं आपको बता रही हूँ, अपना पूरा एक्सपीरियंस बता रही, 5000 किलोमीटर्स रनिंग करने के बाद बता रही हूँ कि इसका जो ड्राइविंग कंफर्ट है वो आपको दूसरी कार्स में, सिमिलर ब्रांड्स के कार में नहीं मिलने वाला है। इसका जो इतनी स्मूथली जो गियर शिफ्ट हो जाता है, इसका स्टीयरिंग जो इतना लाइट है, बहुत स्मूथ है, तो जो ड्राइविंग में आपको जो मज़ा मिलता है, जो कंफर्ट मिलता है इसकी सीट्स में, जो कंफर्ट मिलता है, आप लॉन्ग ड्राइव भी चले जाइए, हम लोग पूरे दिन भर में 500 किलोमीटर भी ड्राइव किए हैं तो बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती है। तो जब आप इसके ड्राइविंग कंफर्ट इसको देखेंगे तो वहाँ पे ये सब जो चीज़ें नहीं मिली हैं, ये सब चीज़ें आपको मायने नहीं रखेगा। तो देखा जाए तो ये गाड़ी का जो व्हील बेस है आपका बलिनो एंड ब्रेजा से भी लंबा है, एंड इसमें स्पेस आपको काफ़ी मिलेगी। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद, इसकी कॉन्स पे फोकस करने के बाद आप समझ गए होंगे कि ये कार आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। एंड इस मंथ के एंड में या मे फर्स्ट वीक में आपके पास वीडियो आएगा, हम लोग बहुत जल्दी अराउंड 2500 किलोमीटर इस कार में ट्रैवल करने वाले हैं टू अदर डिफरेंट स्टेट्स, तो उसका भी रिव्यू हम डालेंगे एंड वो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा आपको ये कॉन्स का वीडियो ऑफ सिट्रॉन C3। और भी कुछ जानना चाहते हैं C3 के बारे में, आप हमसे पूछिए, मेल लिखिए, कमेंट्स में पूछिए, आई विल रिप्लाई टू दैट। और स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।